अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद है आप सबको एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज मैं यहाँ पर दो किस्म के नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें मैं 4 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ और मैं 1/2 टीस्पून इसमें राई ऐड कर रही हूँ। राई को थोड़ा सा क्रैकल कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर मूंगफली ऐड करूँगी 1/4 कप, थोड़ी कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसे मैं अच्छे से कड़क गोल्डन कर लूँगी। ये गोल्डन होने के बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसे निकाले बगैर भी इसी तरह से प्याज मिर्ची वगैरह डालकर पका सकते हैं, लेकिन ये उस तरह का टेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये दाने सारे सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसे सेपरेट किया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून चना दाल डाली है, इसको भी मैं अच्छे से कड़क कर लूँगी थोड़ी देर। और मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितनी माश की दाल ऐड की है, हमें इसे गोल्डन कर लेना है। अब मैं यहाँ पर थोड़े से करी पत्ते ऐड कर रही हूँ। अगर नए हैं तो करी पत्तों को थोड़ा दूर से ही डालें वरना ये छींटे मारते हैं। इसको भी मैंने थोड़ा सा हिला लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट कर लिया है, इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं अच्छे से प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। हिलाते हुए मैंने सारी प्याज को सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें 2 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, इसको भी मैं बारीक काट ली हूँ। मिर्ची थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरह से तेल में सौटे कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर 1 मीडियम साइज का टमाटर ली हूँ, इसको भी मैंने बारीक सा काट लिया है, इसे भी मैं इसमें ऐड करी हूँ। अब मैं जब तक पकाऊंगी तब तक के ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाते हैं। हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं अब इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून जितनी मैंने हल्दी ऐड की है, इसको भी हमें 10 सेकंड के लिए इस तरह से मैं भून लूंगी तेल में। उसके बाद मैं इसमें से 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ये भी थोड़ा सा मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं यहाँ पर चुड़वा ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 2 कप चुड़वे को धोकर छलनी में रखा था पानी निथारने के लिए, कोई भिगोया नहीं था, सिर्फ धोकर इसी तरह से छलनी पे रखकर छोड़ दी थी और ये बहुत अच्छे से भीगा भी है और खिला खिला भी है। और इसे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करें इस तरह से, अगर मोटे मोटे हैं तो इसे इस तरह से हाथों से तोड़ लें, ये बहुत ही खिले खिले बनते हैं, इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। मैं इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। पहले भी मैंने नमक डाला था, यहाँ पर भी मैं 1/2 टीस्पून जितना नमक ऐड कर रही हूँ। आप एक बार टेस्ट करके नमक डाल सकते हैं, पहले ही ज़्यादा मत डालें। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी कोथिंबीर भी बारीक काट कर डाल रही हूँ, इससे भी जायका बहुत अच्छा आता है। इस तरह से मैं इसे अच्छे से हिलाकर अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने टेस्ट करके देखा था कि नमक सही है कि नहीं, और ये बहुत सही था। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार किस्म के हमारे चुड़वा यानी कि पोहा बनकर के तैयार हैं, आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने दूसरी रेसिपी भी इसी तरह की शेयर की है और ये मुरमुरे की रेसिपी है, यानी कि पफ्ड राइस उपमा है ये। इसी तरह से सेम मैं इसे इसमें मुरमुरा में बनाऊँगी, यानी कि पफ्ड राइस में बनाऊँगी। ये बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं,
हमें सुबह के नाश्तों में और बच्चों के लंच में इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जितने मुरमुरा ली हूँ, इसको भी मैं इसी तरह से धोकर मैं इसे निकाल कर रख दूँगी, सारा पानी निचोड़ कर। इस तरह से ये अच्छी तरह से धोएं फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा मिट्टी होती है। इस तरह से स्क्वीज करके मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी सारे मुरमुरा को। तो ज़्यादा देर के लिए इसमें पानी में ना छोड़े, वरना ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और मैं इसे साइड पर कर ली हूँ। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून तेल लिया है, इसमें मैं 3 टेबलस्पून जितने मूँगफली ऐड कर रही हूँ। मूँगफली इसमें ऑप्शनल है, डालना है तो डालें वरना स्किप करें। मैं अक्सर नहीं डालती हूँ, यहाँ पर रेसिपी बनाने के लिए मैंने मूँगफली ऐड की है। इसे भी मैं तलकर निकाल ली हूँ। 1 टीस्पून मैंने यहाँ माश की दाल ऐड की है, इसको मैं थोड़ा सा क्रैकल कर लूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़े से करी पत्ते ऐड कर रही हूँ, ये भी अच्छे से क्रैकल हुए हैं। और मैंने इसमें 2 से 3 कली लहसुन की इसे कूट कर डाला है। और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट कर डाला है इसमें। यूजुअली इसमें लहसुन नहीं डालते हैं, एक बार इस तरह से लहसुन डालकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर मैं दो इसमें ग्रीन हरी मिर्ची डाली हूँ, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लें। उसके बाद मैं यहाँ पर एक टमाटर भी ऐड कर रही हूँ, ये भी मीडियम साइज़ का था, इसको भी मैं बारीक कट कर ली हूँ। एक चौथाई कप जितना मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। सबसे पहले तो मैंने मसाले को अच्छे से पकाया है सॉफ्ट होने तक, उसके बाद मैंने हल्दी ऐड की है। पहले ही हल्दी ऐड ना करें। हल्दी ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर सारा भिगोया हुआ जो मुरमुरा था इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ऊपर से मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, मैंने पहले सॉल्ट नहीं ऐड किया था। इस तरह से अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है हमें। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मैं 1 टीस्पून जितना लीमू ऐड कर रही हूँ, यानी कि आधा लीमू मैंने इसमें ऐड किया था। इसे अच्छे से मिक्स करें फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी, यमी और हेल्दी नाश्ता हमारा बनकर के तैयार है। मुरमुरा उपमा, यानी कि पफ्ड राइस उपमा भी कहते हैं इसे। ये हमारा साउथ का स्पेशल नाश्ता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फुटाने का आटा इस पर ऐड कर रही हूँ। सादा फुटाने को मैंने पीस कर इसमें ऐड किया था। ये बहुत टेस्टी लगता है, इस तरह से ज़रूर ट्राई करें फुटाने का आटा इसमें। और मैं यहाँ पर वो तले हुए जो दाने थे, इसको भी मैं मूँगफली के इस पर ऐड कर रही हूँ। इस तरह बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह।